हाउ टू फिक्स Zee5 ऐप नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे Zee5 ऐप के जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते, चाहे वो ऐप नॉट वर्किंग हो, ऐप नॉट ओपनिंग हो और ऐप अनफॉर्चुनेटली स्टॉप बता रहे हो, और या तो फिर आपको यहाँ में Zee5 ऐप के रिगार्डिंग जितने भी इरर्स या तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, वो सब प्रॉब्लम को आप कैसे और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ में इस वीडियो में कम से कम आपको 4-5 सॉल्यूशन बताने वाले हो, जिससे कि आपका यहाँ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहा है Zee5 ऐप के रिगार्डिंग वो सब यहाँ में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ में लास्ट तक जरूर देख लेना। तो यहाँ में दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ में अपना प्ले स्टोर जो है उसे ओपन कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ में प्ले स्टोर को ओपन कर रहे हैं, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हम यहाँ में नेट कनेक्शन ऑन कर देते हैं। और यहाँ में प्ले स्टोर ओपन होने के बाद दोस्तों, आपको सर्च करना है आपका Zee5 ऐप, ठीक है। तो यहाँ में आपको सर्च कर लेना है अपना Zee5 ऐप। तो यहाँ में हम सर्च कर देते हैं, तो यहाँ में आ चुका है दोस्तों। तो आपको यहाँ में अभी क्या करना है, अभी आपको यहाँ में इस ऐप का जो है अपडेट कर देना है, ठीक है। कभी कभी इस ऐप में अपडेट नहीं होने की वजह से ये ऐप में ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाता है और आपका ऐप जो है अनबिहेवियर करना लग जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ में एक बार जरूर अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद जो है आपका यहाँ में प्रॉब्लम्स जितने भी आ रहा है वो यहाँ में चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ में अपडेट करने के बाद आपका प्रॉब्लम चला गया है तो ठीक है, और यदि आपका यहाँ में प्रॉब्लम्स नहीं जाता है तो आपको क्या करना होगा, अभी भी आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में जाना है, ठीक है। तो यहाँ में हम इसको बैक कर देते हैं, और बैक करने के बाद आपको जाना है आपके फ़ोन के सेटिंग्स पर। तो हम यहाँ में फ़ोन सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ में फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो नीचे आ जाइए, उसके बाद दोस्तों आपको जाना है आपके मैनेज ऐप्स पर, ठीक है। आपको यहाँ में एप्लीकेशन मैनेजर या तो फिर इंस्टॉल ऐप करके भी मिल सकता है, तो आप यहाँ में ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ में स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ में सर्च कर लीजिएगा Zee5। तो यहाँ में सर्च करते जाइए तो आपको यहाँ में मिलेगा जेड में, ठीक है। तो हम यहाँ में देख लेते हैं। तो यहाँ में दोस्तों आ चुका है Zee5 ऐप। तो उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ में क्या करना है, सबसे पहले तो इसका डाटा जो है यहाँ में क्लियर कर देना है, ठीक है। तो इसका डाटा यहाँ में क्लियर ऑल डाटा में क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद इसका डाटा यहाँ में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में डाटा क्लियर हो चुका है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसका ऐप परमिशंस ओपन कर लेना है। तो ऐप परमिशन ओपन कीजिए, उसके बाद आपको इसका जितने भी हमें परमिशन शो रहा है सब यहाँ में इनेबल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ में इनेबल कीजिए, इनेबल करने के बाद आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ में फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिए। फ़ोन रिस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहा है Zee5 ऐप के रिगार्डिंग वो यहाँ में सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ में सॉल्व कर सकते हैं अपने Zee5 ऐप के जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। और यदि आपका यहाँ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो अभी आपको क्या करना होगा, तो आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में जाना है, आप इसे बैक कर लीजिएगा। इसे बैक करने के बाद दोस्तों, आपको जाना है फिर से सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको जाना है अबाउट फ़ोन में, ठीक है। तो अबाउट फ़ोन में जाइए, उसके बाद सिस्टम अपडेट में जाइए, और सिस्टम अपडेट में जाने के बाद आपको इसका अपडेट चेक कर लेना है, ठीक है। अपने फ़ोन का अपडेट को यहाँ में चेक कर लीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा। कभी कभी यहाँ में फ़ोन अपडेट नहीं होने की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ में अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद फ़ोन को फिर से रिस्टार्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ में फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेने के बाद आपका जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रहा है Zee5 ऐप के रिगार्डिंग वो यहाँ में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, यदि हमें बाई चांस भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते तो अभी आपको क्या करना होगा, आपको अभी डायरेक्टली Zee5 ऐप को अनस्टॉल कर देना है। तो अनस्टॉल कर दीजिए, अनस्टॉल करने के बाद आप फिर से रिंस्टॉल कीजिएगा। रिंस्टॉल करने के बाद जो है यहाँ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ में आपको जितने भी सॉल्यूशन बताए पहले तो आप उसे ट्राई कीजिएगा। उससे ट्राई करने के बाद मुझे उम्मीद है आपका यहाँ में प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।